पत्थर से निकलती घंटी की आवाज, पहले इस आवाज से डरते थे, अब चमत्कार मानते हैं ग्रामीण। दुनिया में आपने विशालतम और एक से बढ़कर एक सुंदर और अनोखी चट्टानें जरूर देखी होगी, लेकिन रतलाम की एक पहाड़ी पर मौजूद चट्टान आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या वाकई ये हकीकत है या कोई देविक चमत्कार। रतलाम से 25 किलोमीटर दूर है पेरछा गांव, ये अम्बे माँ का शक्ति धाम। सुदूर अंचल की ऊंची पहाड़ी पर विराजित माँ यह भक्तों की हर मनोकामना को पूरी करती आई है। इस दर पर जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता। सन 1664 के पहले इस मंदिर की स्थापना की गई थी, या गांव के ही एक प्रसिद्ध संत जिंदा समाधि ली थी, जिसके बाद इस क्षेत्र की मान्यता और अधिक बढ़ गई है। लेकिन इन सब के अलावा भी इस पहाड़ी पर एक और चमत्कार मौजूद है, जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे जिले में है। ये एक ऐसा चमत्कार है जिस पर आंखों से देखकर और कानों से सुनकर यकीन नहीं हो पाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस चमत्कारिक चट्टान की, जिसे पीटने पर घंटी की आवाज आती है और ग्रामीण इसे अम्बे माँ का चमत्कार मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन अनोखे स्थान पर जाने के लिए पहाड़ी चट्टानों और कांटों भरी झाड़ियों को पार करना होता है। यह रास्ता आसान नहीं है, जिसे पार कर इस अजब गजब देविक चमत्कार के दर्शन हो पाते हैं। पड़ोस में जाओ। वापस। इस चमत्कारी चट्टान को लेकर सुनी सुनाई बातें तो ग्रामीण अंचलों में खासी चर्चित है। यह चमत्कारी घंटी जैसी बजने वाली चट्टान यहाँ कब से है और इसकी खोज कब की गई है, यह कोई नहीं जानता। आसपास के लोगों ने पहाड़ी पर मौजूद ऐसी सैकड़ों चट्टानों को ठोट कर देखा है, लेकिन ऐसी घंटी जैसी आवाज किसी में नहीं आती। यही वजह है ग्रामीण इसे देविक शक्ति भी मानते हैं और इस अनोखे पत्थर की पूजा भी करते हैं। बहरहाल, इस चमत्कारी चट्टान की पूजा अर्चना का दौर जारी है और ग्रामीण इसे अम्बे माँ का चमत्कार मानकर की पूजा कर रहे हैं। आसपास के क्षेत्रों में इस घंटी वाली चमत्कारिक चट्टान की प्रसिद्धि भी बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके पीछे की वजह चट्टान में मौजूद कोई धातु है या फिर वाकई माता रानी का चमत्कार है, कुल मिलाकर जिले में ग्रामीणों की आस्था बढ़ने का यह नया केंद्र बन चुका है। ग्रामीण गोपाल जाट बताते हैं कि यह माता जी की ही पहाड़ी है और यह उनकी ही कृपा है। कालिका माता में इस मर्दमान नवरात्रि का मेला नहीं लगने से दुकानदारों को आर्थिक रूप से दिक्कतें उठानी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ कालिका माता परिसर में पानी पतासे और आलू बड़े बेचने वालों को भी नगर निगम 2 जून की रोजी रोटी कमाने नहीं दे रही है। निगम ने इन दुकानों को बंद करने का फरमान क्या सुनाया, नाराज दुकानदारों ने तैयार पानी पतासे और आलू बड़े फेंक दिए। शनिवार की रात हुए विवाद के बाद दुकानदारों ने इकट्ठे होकर निगम के खिलाफ खूब नारेबाजी की। विवाद की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी तथा शहर तहसीलदार शेखर यादव कालिका माता पहुंचे और दुकानों से बात कर पुनः दुकानों को लगवाया। मेरा नाम पद्मा भाटी है, मेरे घर में कमाने वाला नहीं है, मैं यहाँ आलू गड़े की ठेला गाड़ी लगाती हूँ। ये सब भाई मेरे साथ इसलिए खड़े हैं कि कल मुझे भगाया जा रहा था, आज इन लोगों को भी भगाया जा रहा है। उधर से कोरोना नहीं फैल रहा और दुकानों से कालिका माता यही दुकानें हैं जिनसे कोरोना फैल रहा है, और हम क्या करें, झाली जी के तलाव में कुछ जाए, बच्चों को भी कुदा दे, क्योंकि हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है साल, और रोजी रोटी हमारी रोजी रोटी छीन रहे हैं। आज हम घर से माल बना के लाए और हमसे कह रहे हैं कि आप दुकान बंद करो और हमारी गाड़ियां भर के ले जा रहे हैं। पहले भी निगम से हमारा सामान नहीं दिया गया, कई लोगों की कुर्सियां जमा है, अभी तक दी नहीं गई। बोले भाई इनका सामान नहीं देते निगम वाले, परेशान करके रखा है और ऐसा ही ठेला होने के बाद भी भगा रहे हैं ये लोग, तो कहाँ जाएंगे सर? आयुक्त साहब कल भी आए और हम लोगों को भगाए, और आज तो जैसे भी लेके खड़े वो पड़ी पीछे गाड़ी और कहते हैं आप भरो नहीं तो हम उठा के ले जाएंगे। और बदतमीजी लेडीज से भी बदतमीजी के, तू ले जाना, हम क्या करें तेरे से गाड़ी नहीं धकेल रही। तो हाँ सर, समस्या क्या सर, हमारी दुकानें जैसे मतलब ये पट्टी में लगती थी, हमने उधर से इधर कर ली सर, और दुकान ने नहीं लगाने दे रहे, और कल जैसे आज बंद होती है तो कल हमें सूचना दे, वो कल दुकान नहीं लगा सर, और हमारा मटेरियल मतलब कितना महंगाई है और हम लोगों को कितना नुकसान होगा सर। 7 बजे 8 बजे मतलब दुकान बंद कर दी सर,
चालू दुकान बंद कर रही, चालू दुकान मटेरियल बिगड़ रहा, मटेरियल बिगड़ गया सर, क्या आपके सामने तो है ये फेंका हुआ बंद हो गया। अब ये बात रात को 11 बजे बोल जाता है, कोई नहीं, नहीं 12 महीने की सर, ये सब 12 महीने वाले ये कार्ड बने हुए सर, ये हमारे सर 12 महीने की दुकान है, 12 महीने 20 साल 20 साल है हम लोगों को सब। शक्ति की देवी की भक्ति के अंतिम दिनों में भक्ति चरम पर रही, जगह जगह आरती और गरबों का आयोजन हुआ। नवदुर्गा मित्र मंडल गांधीनगर में लगातार 26वें वर्ष में नवरात्रि भक्ति का आयोजन किया जा रहा है। महाअष्टमी पर्व पर आरती में शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, मयंक जाट, विजय सिंह चौहान, मदन सोनी, मांगेलाल जैन की मौजूदगी में आरती हुई। डाट की पुल स्थित मंदिर पर क्षेत्रीय रहवासियों ने माता रानी की आरती की। इधर आस्था स्थल कालिका मंदिर में बालिकाओं ने उड़ते गुलाल के बीच रंगारंग गरबे खेलकर माता की भक्ति की। सन्नाटा और अंधेरा हो तो कोई भी व्यक्ति खाली जगह समझकर पेशाब कर लेता है, लेकिन ऐसे अंधेरे और सन्नाटे में एक वाहन चालक को यह इतना भारी पड़ गया कि उसे पानी डालकर झाड़ू लगाने तक की सजा भुगतनी पड़ी। मामला शनिवार रात 2:32 क्षेत्र में एक दुकान के बाहर कार रोककर पेशाब करते हुए एक व्यक्ति को पड़ोस में रहने वाले परिवार ने पकड़ लिया। पेशाब करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम धीरज बताया। वो चक्कर क्या हुआ था कि मेरे को बाथरूम बहुत तेज आ गई थी। हाँ, यहाँ पे आसपास मुझे कुछ दिखा वो सामने यार है ना, एक मिनट राजाजू सेंटर का काम करता है, ये काम करता है सामने बाथरूम का। विवाद के समय मौके पर पुलिस भी थी जो मुख दर्शक बनी रही। विवाद करते हुए उस व्यक्ति से पानी डलवाकर झाड़ू भी लगाई गई। बताया जाता है कि उस व्यक्ति ने उसी पर पहले भी पेशाब करी थी। जाना। हाँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम कैलाश है। कहाँ रहते हैं? मैं 2:32 पे ही रहता हूँ। क्या काम करते हैं? और मेरी शॉप है, बार्बर शॉप है। हाँ। और ये पहले भी यहाँ पे बाथरूम कर चुका, हमारे घर के बाहर ही यहाँ पे। हाँ। हम पकड़ना चाह रहे थे, आज पकड़ में आया। आज पकड़ में आया इसलिए हमने इसको पकड़ा है। क्या करता है, क्या हरकत कर रहा है? यहाँ मुतने खड़ा हो जाता। कहाँ का व्यक्ति है, कहाँ का रहने वाला है? ये गांधीनगर कहीं का बता रहा, गांधीनगर का रहने वाला। यहाँ बाथरूम करने खड़ा हो जाता है। अब यहाँ फैमिली रहती है, लड़कियाँ बच्चे सब रहते हैं, वहीं खड़ा हो जाता है मुतने, जबकि उसके सामने ही है। रविवार को रामनवमी का पर्व मनाया गया। कोरोना के कारण प्रशासन ने चल समारोह निकलने की अनुमति नहीं दी। सुबह से दिन भर माताजी की प्रतिमा विसर्जन के आयोजन नियमों के तहत चलते रहे और प्रशासन ने कालिका माता मंदिर स्थित झाली तालाब और हनुमान ताल पर विसर्जन की सांकेतिक व्यवस्था की थी। यहां से प्रशासन ने प्रतिमाओं को एकत्रित कर सरकारी वाहन से विसर्जन के लिए भेजा। विसर्जन स्थल पर पुलिस बल तैनात रहा।